तो कैसे हैं आप लोग? मेंटल हॉस्पिटल 5 मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। अगर आपने इसके पहले का डेमो वर्जन नहीं लिखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि उससे ये कंटिन्यूशन है। तो यहाँ पे ये सायरन बजा था और हमें यहाँ से बाहर निकलना था, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जाना है। तो जाते हैं, सबसे पहले सायरन काफ़ी तेज़ बज रहा है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। वहाँ पे शायद एक पेपर है, वहाँ पे क्या लिखा है चलो देखते हैं। Whatever, whoever read it, you should know if you hear a siren, run away from the village. The death will come to you, and no one, I repeat, nothing will help you. तो ये कह रहा है कि अगर हमें ये साइरन सुना देता है तो हमें विलेज से दूर भाग जाना है, वरना कोई भी चीज़ हमें बचा नहीं पाएगी उससे। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है ये तो, लेकिन हम तो है खतरों के खिलाड़ी, इसलिए हम तो आगे जाएंगे और मिस्ट्री को पूरा तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कि हमें कोई जॉम्बी या फिर डेथ मिलता है या फिर नहीं मिलता। वैसे चारों तरफ से, लेफ्ट से राइट से, काफ़ी क्रीपी आवाज़ आ रही है। आपको वो दिखे ना वहाँ पे, आपको दिखे वहाँ पे चल रहे थे, वो देखे वहाँ पे, वो रहे, वो दो जने घूम रहे हैं वहाँ पे। शायद उस लेटर में इन दोनों की ही बात चल रही थी, ये वही है डेथ। तो यहाँ पे ये दो जने हैं, देखने में तो काफ़ी स्लो चल रहे हैं वैसे तो। उनसे बचने के लिए यहाँ पे ये सेफ पॉइंट है क्या? वहाँ पे शायद तीन हैं। यहाँ पे अंदर जा सकता हूँ मैं क्या? यहाँ अंदर नहीं जा पा रहा हूँ मैं अंदर, बिल्कुल नहीं जा पा रहा। कोशिश करता रहूँगा, अगर उन्होंने देख लिया तो उसी तरीके से यहाँ पे अंदर जाऊँगा मैं। चला जा, कोशिश करता हूँ, नहीं जा पा रहा, रहने देता हूँ। वहाँ पे तीन जने मुझे दिख रहे हैं, दो वहाँ और एक वेल के यहाँ पे तरफ। ये तीन है, पता नहीं कितने होंगे और यहाँ पे। मुझे सबसे पहले तो यहाँ झुक के जाता हूँ ताकि मुझे फुट स्टेप इनको ना है, क्योंकि यहाँ झुक के जाने से फुट स्टेप नहीं आ रहे मेरे, तो वो मुझे सुन नहीं पाएंगे। तो ये काफ़ी अजीब तरीके से चल रहा है अगर झुक के चलते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक हम बचे हुए हैं तब तक हर एक तरीका जो हमारी जान बचा सकता है वो हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ घर के पीछे चले जाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए, और इस घर के अंदर देखते हैं कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता हमें, क्योंकि मुझे सेल तो चाहिए हो गया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है और मुझे दूसरा सेल चाहिए। इस घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, वैसे लगभग सारे घर ही खाली है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते देखते हैं वो डेथ चला गया है या फिर नहीं चला गया। चला गया है, यहाँ से आगे निकलता हूँ। यहाँ पे इस अंदर जाने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं है, वो गया आगे, तो मतलब यहाँ से अंदर जा सकता हूँ इस घर के। शायद ये घर के अंदर नहीं आते अंदर, तो चलो घर के अंदर। अटक गया, नहीं निकल गया, ठीक है दवा तो बंद होता हूँ जल्दी। अब यहाँ टेबल पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे इस दरवाजे के अंदर भी कुछ नहीं है। वैसे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आवाज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा आ रही है। मैं आप लोग मुझे सुन सके इसलिए मैंने आवाज़ें ना काफ़ी कम रखा है, लेकिन जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी ज़्यादा है। और वहाँ पे वो एक डेथ था, उसने मुझे देख लिया, हाँ देख लिया। वैसे काफ़ी धीरे आ रहा है, साइड में से निकल जाएंगे हम, ये थोड़ा सा इसे यहाँ पे लाते हैं। 1 2 3 निकल गए, बच गए हम। यहाँ पे ये घर है, इस घर के अंदर चले जाते हैं, फिर वो नहीं आएगा क्या? कुछ चीज़ चाहिए जिससे हम इसे खोल सकें। तो कुछ लिखा हुआ था नोट्स के अंदर, देखते हैं की और ये डोर। तो हमें एक क्रोबार चाहिए इसके अंदर जाने के लिए, और क्रोबार इससे पहले वाले डेमो वर्जन के अंदर घर के अंदर हमने देखा था, वो वहाँ बाहर की तरफ है। इसमें हमें देख लिया, इससे तो बच जाएंगे हम नॉर्मली चलते चलते। काफ़ी धीरे चल रहे हैं ये, एक बार भी नहीं मरेंगे हम तो इससे। वैसे पता नहीं कि ये मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है,
कोई बात नहीं, चलते हैं जल्दी से उस घर की तरफ। तो फाइनली मैं इस घर के अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ मैं। ये दरवाज़ा बंद हो नहीं रहा, हो गया। तो ये दरवाज़ा बंद हो गया, इस यहाँ पे मुझे वो क्रोबार मिलेगा, क्योंकि इसी घर में क्रोबार मिला था मुझे। हाँ ये रहा क्रोबार, कोई देख तो नहीं रहा ना, आ तो नहीं रहा ना कोई ना कोई। तो चलो ये इस क्रोबार को ले लिया, हमारे बैकपैक में आ गया होगा क्रोबार। तो अब चलो देख, हाँ आ गया क्रोबार, अब उस घर को हम खोल सकते हैं। तो जल्दी से जाते हैं उस घर की तरफ। मुझे लगता है कि वो तीनों तीन से मुझे मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हो गया। तो जल्दी से जाते हैं, इसका रास्ता यहाँ पे था, यहाँ से था। वैसे गाइस ये गेम प्ले काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इनको हमें आउट करने के लिए दो बार टच करना पड़ता है, दो बार। एक बार तो सिर्फ ऐसे ही खरोश लगती है, और दूसरी बार हम सीधा मर जाते हैं। तो हमें अब ये क्रोबार हमें मिल चुका है उस घर की तरफ। शायद वो घर किधर था, कोई आ नहीं रहा। हमें घर जल्दी ढूंढना होगा, वो ये रहा हो। जल्दी से जाता हूँ, ये क्रोबार लग गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। अब जल्दी से जाता हूँ उस घर के अंदर, और इसके पास ये था, ये खोल सकता है क्या इस क्रोबार से? नहीं खोल रहा। उस चर्च की चाबी शायद इसके अंदर है, क्योंकि वो लिखा है कि इसके अंदर चर्च की चाबी हमें मिलेगी, उस हॉस्पिटल की। चर्च नहीं, गलती से वो बोल दिया। इस टेबल पे तो कुछ नहीं दिख रहा, इसके नीचे जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नहीं है, वो नहीं आ रहे हमारे पीछे। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये बिना वजह खुलवाया क्यों था हमसे? यहाँ टेबल पे कुछ नहीं है, यहाँ उस वहाँ अंदर वाले रैक के अंदर कुछ नहीं है, खुलवाया क्यों था? पूरी टेबल खाली है। जल्दी से जाते हैं बाहर, तो भी एक बार चेक कर लेते कुछ है या नहीं, गिरा हुआ है, फिर नीचे बैठ के देखते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इतनी मेहनत क्यों करवाई थी? इतनी सारी मेहनत फालतू में गई। पहले इस घर के पास आ, इस घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करो, ना खुले तो क्रोबार ले जाओ, फिर क्रोबार से दरवाजे को खोलो, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा? घंटा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब लगता है इस क्रोबार से सीधा उस मेंटल हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा। तो टेलीपोर्टेशन करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि इतना लंबा चलूँगा ज़ॉम्बी भी रास्ते में मिलेंगे। तो इसलिए 1, 2 and 3 तो आ गए हम मेंटल हॉस्पिटल। देखते हैं यहाँ पे एक दवा नहीं खुल रहा, दो दरवाजे और हैं, तो उन पर भी ट्राई करते हैं। इस दवा के ऊपर नहीं काम कर रहा, एक क्लास दवा से और है, तो इस दवा से ऊपर पर काम नहीं किया। तो फिर देखते हैं करते हैं, और यहाँ पे भी ये नहीं काम कर रहा। उस नोट्स के अंदर क्या लिखा था? तो यहाँ पे लिखा है कि हमें अंदर जाने के लिए की चाहिए, और हो सकता है वो की उस घर के अंदर, उस घर को खोलने के लिए हमें चाहिए एक हेल्प क्रोबार की। तो उस क्रोबार हमने ली, मतलब हेल्प ली, उस दरवाजे को खोला, लेकिन चाबी हमें कहीं भी नहीं मिली। आई वॉन्ट टू गो इनसाइड द हाउस, आई एम टोटली श्योर द की इज इनसाइड। यहाँ पे साफ लिखा है कि की इनसाइड है, तो अब इस बात से कंसिडर करना क्या है? हो सकता है कि मैं उस हाउस के अंदर पूरे हाउस को कैमरे से अगर स्कैन करेंगे तब जाके हमें वो की मिल जाएगी। हो सकता है कहीं पे कलर की वजह से उस की और वॉल्स या फिर फ्लोर या फिर रूफ की कलर के साथ वो मिक्स हो गई हो, हमें दिखी ना हो। तो एक और बार टेलीपोर्टेशन करते हैं। तो 1, 2, 3 तो आ गए हम इस घर के सामने। अब अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। तो यहाँ टेलीपोर्ट करने के चक्कर में एक जॉम्बी ने मुझे लगभग मार ही दिया है, आधा। दो बार बचा हूँ मैं, अब अगर इस बार किसी जॉम्बी ने टच कर लिया मुझे तो मैं मर जाऊँगा। तो यहाँ पर शेल्फ के अंदर नीचे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अंधेरा है। तो कैमरे से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कोई की होगी। तो जैसे मैंने कहा था, कोई भी की नहीं है, यहाँ पे भी कोई की नहीं है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। और वहाँ पे थोड़ी बहुत डाग है, जिससे लग सकता है कि हाँ वहाँ पे कोई की हो सकती है, लेकिन नहीं है। अगर होता तो हैंड का साइन बता देता हमें। जैसे ये कैमरा बहुत ज़्यादा शटर कर रहा है,
तो देखते हैं यहाँ पे फ्लोर वगैरह पे भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं मेरे ही। हो गए वो फुटप्रिंट्स, तो भी एक बार देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं वो फुटप्रिंट्स। यहाँ पे दो फुटप्रिंट से वहाँ पे जा रहे हैं, टेबल की तरफ जा रहे हैं। टेबल की तरफ होगी कि टेबल की तरफ की हो सकती है। जाते हैं देखते, ये रही टेबल पे रखी हुई थी, उस कलर के साथ मिक्स कर रही थी अंधेरे के अंदर। तो मैं सही था। तो अब सीधा जाते हैं उस हॉस्पिटल की तरफ। और मैंने इस वीडियो को एडिट करते समय कई बार उस हॉस्पिटल को चर्च बोला है, तो अगर एडिट करते समय उस हॉस्पिटल को मैंने चर्च बोला और आपको सुनाई दिया हो चर्च, तो वो हॉस्पिटल ही है, क्योंकि मुझे दूर से देखने पर वो चर्च ही लगता है, इसलिए हॉस्पिटल है वो। अगर कहीं भी आपको सुनाई दे मैंने कहा चर्च, तो मतलब वो हॉस्पिटल है। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है मेरी तरफ से, जो मैंने एडिट करते समय अगर छोड़ दिया हो तो जल्दी से पहुँच गए हॉस्पिटल के पास। अब इस की को इस्तेमाल करते हैं, ये की सिलेक्ट कर ली, ये फर्स्ट डोर नहीं काम कर रही, सेकंड डोर यहाँ पे भी नहीं काम कर रही है, और लास्ट थर्ड डोर है। अब देखते हैं यहाँ पे ये तो वेलकम गाइस, छोटे से हार्ट अटैक के बाद ये वाला जो जंप स्केयर था, मैं सच बता रहा हूँ मेरी हालत ख़राब हो गई इस जंप स्केयर को देखने के बाद। सच में हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि नॉर्मल से स्टार्टिंग से लगता अब तक कि ना कोई भी ज़्यादा कोई भी जंप स्केयर मुझे डरा नहीं पाया था इस वजह को छोड़ के। तो यहाँ हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं और थोड़ा नशा सा लग रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ दो या तीन दिख रहे हैं, वो भी कलरफुल, कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा। तो मैं भाग नहीं पा रहा हूँ और यहाँ पे व्हील चेयर लगी है, यहाँ खून से भरे हुए है, मतलब बच्चा भागा। अब मुझे जंप स्केयर नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि इससे वो जो जंप स्केयर था वो ही मेरे लिए इनफ था, अब कोई जंप स्केयर मुझे डरा नहीं सकता। तो यहाँ पे काफ़ी हालत ख़राब हो रही है, और ये ठीक हो गया, दवाई का असर ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये हिल रहा है, हिल गया, अंदर जा रहा है, देखते क्या अंदर चला गया, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो जाते हैं, और कुछ नहीं है, ऐसे लगा था कि कुछ नहीं होगा। हमें हमारा कैमरा भी ढूंढना होगा, कैमरा लगता है किसी ने ले लिया है, इसलिए कैमरा भी ढूंढते हैं। आगे ऐसे जंप्स के बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो इसलिए प्रिपेयर रहते हैं। यहाँ पे ये ब्लड है और इंडक्शन और कोई दवाई है, सैनिटाइजर हो गया। वैसे भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ पीछे से आ तो नहीं रहा कोई। और यहाँ नोट्स के अंदर क्या है, हॉस्पिटल नया ऐड हुआ है, तो यहाँ से अब बाहर निकलना है। और कैमरे की बारी है, तो कैमरा हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ से अब निकलते हैं और कैमरा भी ढूंढना होगा हमें। इस नोट्स के अंदर यही लिखा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रीपी हो रहा है, तो हमें बाहर निकला होगा, शेडो वगैरह है, और किसी ने हमारा कैमरा ले लिया है, तो मैं उस कैमरे को लेना होगा। मेरी कमेंट्री अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मुझे किस चीज टॉप में मैं बोलने के अंदर क्या गलतियाँ हैं और क्या नहीं, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपने कमेंट्री के अंदर। आप लोगों को सपोर्ट दिखाएंगे तब जाके ही हमें और नया कंटेंट बनाने के लिए वो मोटिवेशन मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, आवाज़ तो आ रही है बहुत ज़्यादा, हर एक कमरे में से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे डॉल है, शायद ये डॉल कोई जंप स्केयर देगी, नहीं दे रही है, मुंडी घुमाएगी, नहीं घुमाती है, नॉर्मल सा कमरा ही है। पर सच बताऊँ, आवाज़ मेरे कान फट रहे हैं, ऐसी आवाज़ है यार। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सिर्फ ये सेल है, और ये आवाज़ लग रहा है कि दीवार के उस तरफ से आ रही है, वहाँ बाहर से आ रही है, दीवार के उस तरफ से आ रही है, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से आवाज़ है। अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तब जाके आपको ये रियलाइज़ होगा कि कैसी आवाज़ है। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो 40% आवाज़ है, लगता है ये छुपने के लिए है।
यहाँ पे कोई हमारा शायद पीछा करेगा और यहाँ पे हम उससे छुपेंगे। ठीक है अच्छी बात है, छुपेंगे खुद छुप जाएंगे उससे भी। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से नीचे झुक के भी हम देख सकते हैं किसी को, फुटस्टेप वगैरह कोई हमें देख रहा हो तो। यहाँ से बाहर निकलते हैं, अटक गया हूँ मैं, यहाँ निकल गया। थोड़ा उस तरफ हैंडल की तरफ फोकस करना था। यहाँ एक दूसरा कमरा है, यहाँ पे ये बॉल जादू मंत्र हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई मैजिशियन मरा था क्या यहाँ पे जो ऐसे जंप्स कर दे रहा है? और आवाज़ के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, सच में आवाज़ कोई बोल नहीं सकता कि क्या है ये। वैसे ये गुड़िया कोई जंप्स कर देगी क्या? ये डॉल नहीं, इसको कपड़े पहनाओ कोई। तो बाहर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई है, कुछ है, सीढ़ी वगैरह है। इस सीढ़ी का भी कोई आगे काम होगा, 100% आगे कोई इस सीढ़ी का काम है। कोई रिकॉर्डिंग चलेगी, अभी तो नहीं उठा पा रहे लेकिन बाद में उठाने के लिए बोलेंगे, ये बात मैं गारंटी से बोलता हूँ। ये क्या वापस से नशा हो गया? कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं और देखते हैं, मतलब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है हमारे चलने की। कोई ना कोई जंप्स कर तो आएगा, कोई ना कोई जंप्स कर आएगा। एक ये डॉल अपने आप चली थी क्या? उसके पैर हिले थे। यहाँ पे आगे जाते हैं, देखते हैं कोई कपड़े पहनाओ इस डॉलों को। काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है ये, कपड़े तो पहना तो कम से कम इन्हें। देखो बिना कपड़े के ये डॉल है। यहाँ भी गैस लीक हो रही है, तो मतलब इस गैस ने हमें ठीक किया होगा उस दवाई के असर से। तो बीच बीच में दवाई का असर होते रहेगा लगता है। यहाँ पे कोई ना कोई जंप स्केयर होगा ही। यहाँ पे भी वो एक तरीका की डॉल है। यहाँ पे ये कैमरा है हमारा, हमें कैमरा मिल गया। सो फाइनली हमें कैमरा मिल गया है, हमारे पास सेल है। वहाँ पे वो एक टूल किट लगता है, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। नहीं है, इस बैग का भी हमें काम कर पड़ेगा, 100% इस बैग का काम पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोटो है तो इस हॉस्पिटल की फ़ोटो है, तो यहाँ पे बीमारों का इलाज हो रहा है। और इस वाली फ़ोटो के अंदर डॉक्टर्स ही है। दोनों फोटोज यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे बच्चा भागा, ये जंप स्केयर्स तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी। और ये डॉल यहाँ पे क्या कर रही है, ये वाली डॉल? और यहाँ पे नीचे है, आवाज़ काफ़ी आ रही है वहाँ नीचे से, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अब इसे क्रोबार से हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा पा रहा, नीचे से जाता हूँ। यहाँ से निकल गया मैं नीचे से, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, कैमरा का इस्तेमाल करना होगा मुझे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो है, अंधेरा है यहाँ पे। डॉल से आवाज़ है, स्पेशली आवाज़ से ही ज़्यादा डर लगता है। अगर आवाज़ के ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी रोशनी है, यहाँ पे गैस लीक हो रही है, मतलब हमें कोई भी वो नहीं होगा, अभी अनकॉन्शियस नहीं होंगे हम। यहाँ पे भी रास्ता है, वहाँ पे भी रास्ता है, वहाँ पीछे भी दो रास्ते थे। तो इसके अंदर फिर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ से, आगे से बोले। यहाँ पे तो भी यहाँ से ही जाते हैं, यहाँ से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हम, नीचे से झुक के जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे। तो कुछ भी करें यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हम। तो यहाँ से ही हमें बाहर निकलना होगा। यहाँ पे दवा तोड़ा गया और इसे लगाया गया है, तो आगे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उस तरफ भी जाना है। मेरे आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं हो रही अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, सपोर्ट मिलता है आपका। प्लीज़, गुड बाय।